हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। आज कुछ एडजेक्टिव्स विशेषण उदाहरण के साथ सीखते हैं। तो ये लड़की सुंदर है, ये लड़का सुंदर है। तो इधर सुंदर अंदमु बोलते हैं, सुंदर अंदमु, वही लड़की इसको अम्माई बोलते हैं, वही लड़का इसको अब्बाई बोलते हैं। तो सुंदर अंदमु, तो लड़की अम्माई, लड़का अब्बाई बोलते हैं। तो लड़की सुंदर है, इसको अम्माई अंदंगा उंदी, वही लड़का सुंदर है, इसको अब्बाई अंदंगा उन्नाडु बोलते हैं। तो इधर लड़की सुंदर है, तो सुंदर है, इसको अंदंगा उंदी, तो लड़का सुंदर है, इधर सुंदर है, तो अंदंगा उन्नाडु बोलते हैं। जब एक वचन स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो लड़की सुंदर है, तो इधर है उंदी का प्रयोग हो रहा है। जब एक वचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो लड़का सुंदर है, तो इधर है उन्नाडु का प्रयोग हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब एकवचन स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो है उंदी का प्रयोग होता है, वही एकवचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो है उन्नाडु का प्रयोग होता है। तो इधर लड़की सुंदर है, अम्माई अंदंगा उंदी, तो लड़का सुंदर है, इसको अब्बाई अंदंगा उन्नाडु बोलते हैं। ये एकवचन में हो गया। यदि बहुवचन में आपको बोलना है तो अब बोलेंगे लड़कियां सुंदर है, तो लड़कियां, तो तेलुगु में अम्माइलु बोलते हैं, लड़कियां अम्माइलु। तो अम्माई एकवचन में हो गया, तो अम्माइलु बहुवचन में बोलते हैं। तो इधर अम्माई, तो लु जोड़ देंगे, बोलेंगे अम्माइलु। तो लड़कियां अम्माइलु, तो सुंदर है, इसको अंदंगा उन्नारु बोलते हैं। तो सुंदर है, तो इधर तेलुगु में उन्नारु का प्रयोग करते हैं। तो लड़कियां सुंदर है, इसको तेलुगु में अम्माइलु अंदंगा उन्नारु बोलते हैं। तो इसी को पुल्लिंग में बोलना है, तो लड़के सुंदर है, तो लड़के, इसको तेलुगु में अब्बाइलु बोलते हैं। तो लड़के अब्बाइलु, तो अब्बाई एकवचन में हो गया, वही अब्बाइलु बहुवचन में बोलते हैं। तो इधर अब्बाई हम लु जोड़ देंगे, बोलेंगे अब्बाइलु। तो लड़के सुंदर है, इसको अब्बाइलु अंदंगा उन्नारु बोलते हैं। तो इधर है, तो उन्नारु का प्रयोग होता है। तो कोई भी लिंग हो तो है, इसको तेलुगु में उन्नारु का प्रयोग होता है। जब आप बहुवचन में बोल रहे हैं, नहीं तो आदर से बोल रहे हैं, तब है, इसको तेलुगु में उन्नारु का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब एकवचन स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो है उंदी का प्रयोग होता है, वही एकवचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो है उन्नारु का प्रयोग होता है, वही है हम बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं तो उन्नारु का प्रयोग होता है। तो इधर ये लड़की सुंदर है, तो ये लड़की मतलब पास में लड़की है, उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर ये अम्माई बोलते हैं। तो ये लड़की, ये अम्माई, तो इसी तरह, तो ये लड़का, तो कोई लड़का पास में है तो उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये लड़का, इसको तेलुगु में ये अब्बाई बोलते हैं। तो कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो तो इसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब हिंदी में यह करके बोलते हैं, तो तेलुगु में ई करके बोलते हैं। कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब तेलुगु में ई का प्रयोग होता है। वही कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब तेलुगु में आ का प्रयोग होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो पास में है कोई व्यक्ति या वस्तु, इसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब ई का प्रयोग होता है। वही कोई वस्तु या व्यक्ति दूर में हो उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब आ का प्रयोग होता है। तो इधर ये लड़की, ये अम्माई, तो सुंदर है, अंदंगा उंदी, तो ये लड़की सुंदर है, ये अम्माई अंदंगा उंदी, वही ये लड़का सुंदर है, इसको ये अब्बाई अंदंगा उन्नाडु बोलते हैं। मतलब पास में लड़का है, इसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर ई का प्रयोग हो रहा है। तो ये लड़की सुंदर है, ये अम्माई अंदंगा उंदी, तो ये लड़का सुंदर है, इसको ये अब्बाई अंदंगा उन्नाडु बोलते हैं। तो ये फूल लाल है, ये फूल लाल है, तो लाल रंग, इसको तेलुगु में एरुपु बोलते हैं, तो लाल रंग को एरुपु, तो लाल है एर्रगा उंदी, इधर लाल है एर्रगा उंदी, तो फूल लाल है, तो पुव्वु एर्रगा उंदी बोलते हैं। तो फूल, इसको तेलुगु में पुव्वु बोलते हैं। तो एकवचन में हो गया, तो फूल हम यदि बहुवचन में बोल रहे हैं तो तेलुगु में पुवुलु बोलते हैं। तो इधर लु जोड़ देंगे, बोलेंगे पुवुलु।
तो फूल लाल है, पू एर्रगा उंदी, तो ये फूल लाल है, फिर हम फूल को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो ये फूल, इसको तेलुगु में ई पुवु बोलते हैं, तो ये फूल लाल है, तो ई पुवु एर्रगा उंदी बोलते हैं, तो इधर है उंदी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि तो फूल लाल है हम एकवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए इधर उंदी का प्रयोग हो रहा है। तो उंदी दो प्रकार प्रयोग करता है, एक स्त्रीलिंग एकवचन में प्रयोग होता है, तो दूसरा तो कोई वस्तु या चीज एकवचन में रहने से तब भी उंदी का प्रयोग होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो उंदी दो प्रकार प्रयोग करता है, जब एकवचन स्त्रीलिंग में है तो इधर लड़की सुंदर है, तो है इधर उंदी का प्रयोग हो रहा है, तो वही वस्तु या चीज एकवचन में है तो इधर लाल है, फूल लाल है, तो है इधर उंदी का प्रयोग हो रहा है, तो ये फूल लाल है, इसको ई पुवु एर्रगा उंदी बोलते हैं, तो ये एकवचन में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोलना चाहेंगे तो ये फूल लाल है, आप बहुवचन में बोल रहे हैं तो है इधर उन्नाई का प्रयोग होता है, जब वस्तु या चीज आप बहुवचन में बोल रहे हैं तो उन्नाई का प्रयोग होता है। तो इधर है तो कोई व्यक्ति पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो बहुवचन में रहने से या आदर से बोल रहे हैं तब है उन्नार का प्रयोग होता है, वही कोई वस्तु या चीज बहुवचन में रहने से तो है तो उन्नाई का प्रयोग होता है। तो एकवचन में बोल रहे हैं तो ये फूल लाल है, तो ई पुवु एर्रगा उंदी बोलते हैं, वही बहुवचन में बोलना है ये फूल लाल है, तो इसको ई पुवुलु एर्रगा उन्नाई बोलते हैं, तो इधर है उन्नाई का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लड़का मोटा है, ये लड़का पतला है, तो मोटा इसको तेलुगु में लावु बोलते हैं, वही पतला सन्नमु बोलते हैं, तो मोटा लावु, पतला सन्नमु, तो ये लड़का मोटा है, ये अब्बाई लावुगा उन्नाडु बोलते हैं, तो इधर मोटा है लावुगा उन्नाडु, तो ये लड़का मोटा है, इसको ये अब्बाई लावुगा उन्नाडु बोलते हैं, तो इसी को हम बोलना चाहेंगे ये लड़का पतला है, तो इधर पतला है इसको सन्नगा उन्नाडु बोलते हैं, पतला है सन्नगा उन्नाडु, तो ये लड़का पतला है, इसको ये अब्बाई सन्नगा उन्नाडु बोलते हैं, तो ये लड़की मोटी है, स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, तो ये लड़की मोटी है, इसको ये अम्माई लावगा उंदी बोलते हैं, तो इधर मोटी है तो इसको भी लावगा उंदी, तो इधर है उंदी का प्रयोग हो रहा है, जब स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं एकवचन में तो है उंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इधर है उन्नाडु का प्रयोग हो रहा है, तो इधर एकवचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं, तो इधर ये लड़की मोटी है, तो ये अम्माई लावगा उंदी, तो ये लड़की पतली है, इसको ये अम्माई सन्नगा उंदी बोलते हैं। आसमान नीला है, तो आसमान नीला है, तो नीला रंग इसको तेलुगु में नीलमु बोलते हैं, नीला रंग नीलमु, तो नीला है नीलंगा उंदी, तो आसमान नीला है इसको आकाशमु नीलंगा उंदी बोलते हैं, तो आसमान इसको तेलुगु में आकाशमु बोलते हैं, तो आसमान नीला है आकाशमु नीलंगा उंदी बोलते हैं, तो इधर है उंदी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आसमान एकवचन में बोल रहा है, तो इसलिए इधर आकाशमु नीलंगा उंदी, तो आसमान नीला है इसको आकाशमु नीलंगा उंदी बोलते हैं, तो वहां सफेद साड़ी है, वहां सफेद साड़ी है, तो सफेद रंग इसको तेलुगु में तेलुपु बोलते हैं, सफेद रंग को तेलुपु, तो सफेद साड़ी है, तो साड़ी तेलुगु में चीरा बोलते हैं, साड़ी को चीरा, तो साड़ी है चीरा उंदी, तो इधर भी है उंदी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि साड़ी एकवचन में है, तो साड़ी है तो चीरा उंदी, तो सफेद साड़ी है इसको तेलुपु चीरा उंदी, तो वहां सफेद साड़ी है, तो वहां तो तेलुगु में अक्कड़ा बोलते हैं, तो वहां सफेद साड़ी है इसको अक्कड़ा तेलुपु चीरा उंदी बोलते हैं। वह बहुत अच्छा गाता है, वह बहुत अच्छा गाती है, तो गावो इसको तेलुगु में पाड़ू बोलते हैं, गावो पाड़ू, वही गाता है तो एकवचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं, तो तेलुगु में पाड़ताड़ू बोलते हैं, तो गाता है पाड़ताड़ू, तो इसी को हम एकवचन स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, तो गाती है इसको पाड़ुतुंदी बोलते हैं, गाती है पाड़ुतुंदी, तो गाता है पुल्लिंग एकवचन में बोल रहे हैं,
तो पाड़ताड़ू, वही स्त्रीलिंग एकवचन में बोल रहे हैं तो गाती है इसको पाड़तुंदी बोलते हैं। तो अच्छा गाता है बागा पाड़ताड़ू, अच्छा गाती है बागा पाड़तुंदी, तो बहुत अच्छा गाता है चाला बागा पाड़ताड़ू, तो बहुत अच्छा गाती है चाला बागा पाड़तुंदी, तो वह बहुत अच्छा गाता है, तो पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो वह अतनु का प्रयोग होता है, तो वह बहुत अच्छा गाता है अतनु चाला बागा पाड़ताड़ो, वही वह बहुत अच्छा गाती है, तो इधर वह आमे का प्रयोग होता है, तो वह बहुत अच्छा गाती है तो आमे चाला बागा पाड़तुंदी बोलते हैं। जब एकवचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो वह बहुत अच्छा गाता है अतनु चाला बागा पाड़ताड़ू, तो इसी को स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो वह बहुत अच्छा गाती है, तो वह आमे का प्रयोग होता है, तो वह बहुत अच्छा गाती है आमे चाला बागा पाड़तुंदी बोलते हैं। तो इसी को हम बहुवचन में बोल रहे हैं, यदि बोलना चाहेंगे वे बहुत अच्छा गाते हैं तो गाते हैं इसको तेलुगु में पाड़तारू बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छा गाता है अतनु चाला बागा पाड़ताड़ू, तो वो बहुत अच्छा गाती है आमे चाला बागा पाड़तुंदी बोलते हैं। तो ये पुरानी कुर्सी है, ये पुरानी कुर्सी है, तो कुर्सी इसको तेलुगु में कुर्ची बोलते हैं, कुर्सी कुर्ची, वही पुरानी इसको पाता बोलते हैं, पुरानी पाता, तो नया कोत्ता बोलते हैं, तो तेलुगु में नया इसको कोत्ता बोलते हैं, वही पुराना इसको पाता बोलते हैं, पुराना पाता, तो इधर पुरानी कुर्सी है इसको पाता कुर्ची बोलते हैं, तो ये पुरानी कुर्सी है इसको इदि पाता कुर्ची बोलते हैं, तो इधर यह इदि का प्रयोग हो रहा है, तो कुर्सी पास में है तो इसलिए इधर इदि का प्रयोग हो रहा है, तो ये पुरानी कुर्सी है इदि पाता कुर्ची, तो वह नहीं कुर्सी है, तो नहीं इसको तेलुगु में कोत्ता बोलते हैं, तो इधर नया कोत्ता बोल रहे हैं, तो नई कुर्सी है इसको कोत्ता कुर्ची, तो वह नई कुर्सी है इसको तेलुगु में आदि कोत्ता कुर्ची बोलते हैं, तो इधर वह मतलब कुर्सी दूर में है तो इसलिए इधर आदि का प्रयोग हो रहा है, तो पास में रहने से इदि बोलते हैं, तो दूर में रहने से आदि बोलते हैं, तो वह नई कुर्सी है आदि कोत्ता कुर्ची बोलते हैं। तो वे गरम चाय ला रहे हैं, वे गरम चाय ला रहे हैं, तो गरम इसको वेड़ी बोलते हैं, गरम वेड़ी, तो चाय ला रहे हैं तो चाय को टी बोलते हैं, तो ला रहे हैं इसको तीसुकु वस्तुन्नारु बोलते हैं, तो लावो इसको तीसुकुरा बोलते हैं, एकवचन में बोल रहे हैं तो लावो तीसुकुरा, वही ला रहे हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में बोल रहे हैं, तो तीसुकु वस्तुन्नारु बोलते हैं, तो ला रहे हैं तो तीसुकु वस्तुन्नारु, तो चाय ला रहे हैं टी तीसुकु वस्तुन्नारु, तो गरम चाय ला रहे हैं तो वेड़ी टी तीसुकु वस्तुन्नारु, तो वे इधर हम बहुवचन में नहीं तो आदर से भी बोल सकते हैं, यदि बहुवचन में बोल रहे हैं तो वे उसको वाल्लु बोलते हैं, वही आदर से बोल रहे हैं तो वारु का प्रयोग होता है, तो इधर वे गरम चाय ला रहे हैं तो हम आदर से बोल रहे हैं, तब वारु वेड़ी टी तीसुकु वस्तुन्नारु बोलते हैं, तो इधर वे वारु का प्रयोग हो रहा है, हम आदर से बोल रहे हैं, तो वे गरम चाय ला रहे हैं इसको वारु वेड़ी टी तीसुकु वस्तुन्नारु बोलते हैं। तो पिताजी ठंडी चाय नहीं पीते हैं, पिताजी ठंडी चाय नहीं पीते हैं, तो पीते हैं उसको त्रागुतारु बोलते हैं, पीते हैं त्रागुतारु, तो नहीं पीते हैं इसको त्रागरु बोलते हैं, नहीं पीते हैं त्रागरु, तो चाय नहीं पीते हैं टी त्रागरु, तो ठंडी चाय नहीं पीते हैं इसको चल्लनी टी त्रागरु बोलते हैं। तो ठंडा तो तेलुगु में चल्ला बोलते हैं, ठंडा चल्ला, तो इधर ठंडी चाय चल्लनी टी, तो ठंडी चाय नहीं पीते हैं इसको चल्लनी टी त्रागरु बोलते हैं। तो पिताजी ठंडी चाय नहीं पीते हैं, तो पिताजी तो तेलुगु में नान्नगारु बोलते हैं, पिताजी नान्नगारु, तो ठंडी चाय नहीं पीते हैं इसको चल्लनिट्टी त्रागरु बोलते हैं। तो पिताजी ठंडी चाय नहीं पीते हैं इसको तेलुगु में तो नान्नगारु चल्लनिट्टी त्रागरु बोलते हैं। तो ये फल मीठे हैं,
ये फल कटते हैं। तो मीठा, इसको तेलुगु में तीपी बोलते हैं, मीठा तीपी, वही खट्टी इसको पुलुपु बोलते हैं, खट्टी पुलुपु। तो ये फल मीठे हैं, तो इधर फल बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए इधर पंडू बोलते हैं। यदि एकवचन में फल बोलना है तो पंडू बोलते हैं, एकवचन में पंडू, वही बहुवचन में फल इसको पंडलू बोलते हैं। तो ये फल तो पास में फल है, इसको स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसको ई पंडलू बोलते हैं। तो ये फल ई पंडलू। तो मीठे हैं तीयेगा उन्नाई, तो कट्टे हैं तो पुल्लगा उन्नाई बोलते हैं। तो इधर है उन्नाई का प्रयोग हो रहा है, तो मीठे हैं तीयेगा उन्नाई, तो कट्टे हैं पुल्लगा उन्नाई। तो ये फल मीठे है, इसको ई पंडलू, तीयेगा उन्नाई, तो ये फल कट्टे हैं, इसको ई पंडलू पुल्लगा उन्नाई बोलते हैं। मेरे गांव में दो सफेद गाय हैं, मेरे गांव में दो सफेद गाय हैं, तो गाय इसको तेलुगु में आवु बोलते हैं, गाय को आवु, ये एकवचन में हो गया, तो बहुवचन में बोलना है तो आवुलू बोलते हैं, तो आवु एकवचन में हो गया, वही बहुवचन में आवुलू बोलते हैं। तो गाय है, तो इधर है हम बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इधर उन्नाई का प्रयोग होता है, तो गाय है इसको आवुलू उन्नाई, तो सफेद गाय है, तो सफेद इसको तेलुगु में तेलुपु बोलते हैं, तो सफेद गाय है तो तल्ला आवुलू उन्नाई, तो दो सफेद गाय है, तो दो को तेलुगु में रेंडू बोलते हैं, तो दो सफेद गाय है तो रेंडु तेल्ल आवुलु उन्नाई। तो मेरे गांव में दो सफेद गाय हैं, तो मेरे गांव में इसको तेलुगु में मा ऊरीलो बोलते हैं, तो गांव इसको तेलुगु में ग्रामोमु बोलते हैं, तो ऊरु भी बोलते हैं, ग्रामोमु नहीं तो ऊरु। तो इधर गांव में ऊरीलो, तो मेरे गांव में मा ऊरीलो बोलते हैं, इधर मेरे गांव मा ऊरु बोलते हैं, तो मेरे गांव में मा ऊरीलो, तो दो सफेद गाय हैं, इसको रेंडु तेल्ल आवुलु उन्नाई बोलते हैं। तो सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो इधर पहला दिन तो तेलुगु में मोदटी रोजु बोलते हैं, तो पहला मोदटी बोलते हैं, तो पहला दिन मोदटी रोजु, तो सप्ताह का पहला दिन, तो सप्ताह इसको तेलुगु में वारमो बोलते हैं, तो वीक उसको वारमो बोलते हैं, तो सप्ताह का पहला दिन है, तो वारमुलो मोदटी रोजु, तो सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, तो सोमवारमु वारमुलो मोदटी रोजु बोलते हैं। तो रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो अंतिम दिन है, इसको तेलुगु में चिवरी रोजु बोलते हैं, तो अंतिम इसको चिवरी बोलते हैं, तो लास्ट इसको तेलुगु में चिवरी बोलते हैं। तो इधर अंतिम दिन है, लास्ट डे, इसको चिवरी रोजु, तो सप्ताह का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ द वीक, इसको वारमुलो चिवरी रोजु, तो रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो रविवार इसको आदिवारमु बोलते हैं, रविवार आदिवारमु, तो रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो आदिवारमु वारमुलो चिवरी रोजु बोलते हैं। तो सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, तो महंगा है इसको तेलुगु में खरीदैनदी बोलते हैं, तो महंगा है हम एकवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए इधर खरीदैनदी बोलते हैं। तो बहुत महंगा है, तो चाला खरीदैनदी, तो सोना बहुत महंगा है, इसको बंगारमु चाला खरीदैनदी बोलते हैं, तो सोना बंगारमु बोलते हैं, तो सोना बहुत महंगा है, बंगारमु चाला खरीदैनदी बोलते हैं। ये एकवचन में हो गया, यदि आपको बहुवचन में बोलना है, जैसे आप बोलेंगे कपड़े महंगे हैं, तो महंगे हैं, तो बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इसको तेलुगु में खरीदैनवी बोलते हैं। तो इधर महंगा है एकवचन में बोल रहे हैं, तो खरीदैनदी बोलते हैं, वही महंगे हैं बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इधर खरीदैनवी बोलते हैं। तो इधर खरीदैनदी दी एकवचन में बोलते हैं, तो इधर वी बहुवचन में बोलते हैं, तो महंगा है खरीदैनदी, महंगे हैं
खरीदैनवी बोलते हैं। तो कपड़े महंगे हैं तो बट्टलु खरीदैनवी बोलते हैं। तो कपड़ा बट्टा बोलते हैं, एकवचन में बट्टा, वही बहुवचन में कपड़े उसको बट्टलु बोलते हैं, कपड़े बट्टलु। तो कपड़े महंगे हैं इसको बट्टलु खरीदैनवी, तो ये कपड़े महंगे हैं तो इसको तेलुगु में ये बट्टलु खरीदैनवी बोलते हैं। तो गुड़िया बहुत सुंदर है, तो गुड़िया इसको तेलुगु में बोम्मा बोलते हैं, तो डॉल इसको बोम्मा बोलते हैं। तो बहुत सुंदर है, चाला अंदंगा उंदी, तो गुड़िया बहुत सुंदर है, बोम्मा चाला अंदंगा उंदी। तो इधर है उंदी का प्रयोग हो रहा है क्योंकि गुड़िया वस्तु या चीज हो गया, तो एकवचन में है तो इसलिए इधर उंदी का प्रयोग हो रहा है। तो गुड़िया बहुत सुंदर है, बोम्मा चाला अंदंगा उंदी बोलते हैं। ये पानी साफ है, ये पानी साफ है, तो साफ इसको तेलुगु में शुभ्रमु बोलते हैं, साफ शुभ्रमु। तो साफ है शुभ्रमुगा उंदी अथवा शुभ्रंगा उंदी बोलते हैं। तो साफ है शुभ्रमुगा उंदी अथवा शुभ्रंगा उंदी। तो ये पानी साफ है, तो पानी इसको तेलुगु में नीलू अथवा नीरु बोलते हैं, आप नीलू भी बोल सकते हैं, नीरु भी बोल सकते हैं। तो पानी साफ है, नीलू शुभ्रंगा उंदी अथवा नीलू शुभ्रमुगा उंदी। तो ये पानी साफ है इसको ई नीलू शुभ्रंगा उंदी बोलते हैं। तो पानी पास में है तो बोल रहे हैं ये पानी, तो ई नीलू बोलते हैं। तो ये पानी साफ है, ई नीलू शुभ्रमुगा उंदी अथवा ई नीलू शुभ्रंगा उंदी भी आप बोल सकते हैं। तो वह चतुर लड़का है, वह चतुर लड़की है। तो चतुर इसको तेलुगु में तेलीवाइना बोलते हैं, चतुर तेलीवाइना। तो चतुर लड़का है तो तेलीवाइना अब्बाई, चतुर लड़का है तो इधर चतुर तेलीवाइना, तो लड़का अब्बाई। तो चतुर लड़का है तेलीवाइना अब्बाई, वही चतुर लड़की है इसको तेलीवाइना अम्माई बोलते हैं। तो वह चतुर लड़का है, अतनु तेलीवाइन अब्बाई, तो इधर वह पुल्लिंग में अतनु का प्रयोग हो रहा है। तो वह चतुर लड़का है, अतनु तेलीवाइन अब्बाई, तो वह चतुर लड़की है, इधर वह स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो आमे का प्रयोग होता है। तो वह चतुर लड़की है, आमे तेलीवाइन अम्माई बोलते हैं। तो ये लड़का चतुर है, इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो पास में लड़का है या पास में लड़की है उसको बोल रहे हैं चतुर है, तो इसको तेलुगु में ई अब्बाई तेलुवैन वाडु पुल्लिंग में बोलते हैं। तो ई अम्माई तेलुवैनदि स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो ये लड़का चतुर है, तो चतुर इसको तेलुवैन बोलते हैं। तो इधर चतुर है, लड़का चतुर है, तो इसको अब्बाई तेलुवैन वाडु बोलते हैं। तो ये लड़का चतुर है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ई अब्बाई तेलुवैन वाडु बोलते हैं। तो ये लड़का चतुर है, ई अब्बाई तेलुवैन वाडु, तो ये लड़की चतुर है, ई अम्माई तेलुवैन दी बोलते हैं। तो लड़का है तब तेलुवैन वाडु बोलते हैं, तो लड़की को तेलीवैन दी बोलते हैं। तो ये लड़का चतुर है, ई अब्बाई तेलुवैन वाडु, तो ये लड़की चतुर है, तो ई अम्माई तेलुवैनदि बोलते हैं। तो ये एकवचन में हो गया, यदि आप बहुवचन में नहीं तो आदर से बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे वे चतुर हैं, तो इधर चतुर हैं इसको तेलुवैना वारु बोलते हैं, चतुर हैं हम बहुवचन में नहीं तो हम आदर से बोल रहे हैं तो इसको तेलुवैना वारु बोलते हैं। तो पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो तेलुवैन वाडु पुल्लिंग एकवचन में, वही स्त्रीलिंग एकवचन में बोल रहे हैं तो तेलुवैनदि, वही हम बहुवचन में बोल रहे हैं नहीं तो आदर से बोल रहे हैं तो तेलुवैन वारु बोलते हैं। तो इधर वे चतुर है, तो इधर वे यदि हम आदर से बोल रहे हैं तो वारु बोलते हैं। तो वे चतुर हैं, वारु तेलुवैन वारु, वही हम बहुवचन में बोलना चाहेंगे तो वे उसको वाल्लु बोलते हैं। तो वे चतुर हैं, वाल्लु तेलुवैन वारु बोलते हैं। तो वो लड़का लंबा है, वो लड़का नाटा है, तो इधर लंबा या लंबी पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो इधर पड़ू बोलते हैं, वही नाटा या नाटी इसको पोटी बोलते हैं। तो लंबा या लंबी पड़ू, तो नाटा या नाटी, तो
तो पोट्टी बोलते हैं। तो इधर वह लड़का लंबा है तो आ अब्बाई पोड़ूगा उन्नाडू। तो इधर लंबा है पोड़ूगा उन्नाडू, तो वो लड़का लंबा है इधर आ अब्बाई पोड़ूगा उन्नाडू बोलते हैं। तो हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो वो लड़का दूर में है तो उसको आ अब्बाई बोलते हैं। तो भाई वो लड़का नाटा है इसको आ अब्बाई पोट्टीगा उन्नाडू बोलते हैं। तो वो लड़की लंबी है, वो लड़की लंबी है, वो लड़की नाटी है इसको तेलुगु में आ अम्माई पोड़ूगा उंदी। तो लंबी है पोड़ूगा उंदी, वही नाटी है इसको पोट्टीगा उंदी बोलते हैं। तो लड़की लंबी है अम्माई पोड़ूगा उंदी, तो लड़की नाटी है अम्माई पोट्टीगा उंदी। तो वो लड़की लंबी है स्पेसिफाई करके बात कर रहा है, तब आ अम्माई पोड़ूगा उंदी, तो वो लड़की नाटी है आ अम्माई पोट्टीगा उंदी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।